शांति एवं न्याय कॉन्फ्रेंस 2019 भारत में कुछ विघटनकारी शक्तियां देश में असमानता और भेदभाव पैदा करके राष्ट्रीय एकता के लिए लगातार समस्या पैदा कर रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए छात्र संगठन SOIO ऑफ इंडिया के यूपी ईस्ट जोन ने 2 दिवसीय सम्मेलन का आज दिनांक 29/09/2019 को दूसरा दिन है। दूसरे सेशन में स्पीकर्स लोगों से खिताब करते हुए जिसमें डॉक्टर राम पुरियानी साहब सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर फॉर ह्यूमन राइट्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एट IIT हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया डॉक्टर सिराज साहब डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जमात इस्लामी हिंद इनॉग्रल स्पीच मिस सीमा आजाद साहब पति कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अनावर स्ट्रुगलिस अफरोज आलम साहिल साहब आरिजालवी उमर खालिद फराज उस्मानी जर्नलिस्ट सिटी जनसिन मॉडर्न इंडिया। उसके बाद तीसरे सेशन में जनाब उमर खालिद साहब जोनल प्रेसिडेंट SIO प्रथम शून्य मशरिक डिमांड ऑफ टाइम जनाब शेख अबू मियां सईद साहब फाउंडर जामिया आरफी जनाब उबैदुल्ला हाजमी साहब फॉर्मर मेंबर राज्यसभा अमन व इंसाफ और कुरान जनाब वलीउल्लाह सईदी साहब नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद अमन व इंसाफ और पैगंबर मोहम्मद साशून्य ने अपने विचार लोगों से साझा किया और आवाम से दरख्वास्त किया कि वो शांति और न्याय के लिए संघर्ष करती रहे जब तक कि लोगों को इंसाफ न मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रवार है, लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया। मैं तमाम SIO उपशूनिस्ट के नौजवानों का तहे दिल से शुक्रवार गुजर है। बाजे गली की रिपोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। अंग्रेजों